नमस्कार, उत्तराखंड साइंस एजुकेशन रिसर्च सेंटर में आप सभी का स्वागत है। यूसर्क राज्य में प्रौद्योगिकी आधारित विज्ञान शिक्षा सुलभ करवाने हेतु कृत संकल्प है। आज के इस तकनीकी युग में शिक्षा पद्धति में सम्यक बदलाव की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए शिक्षा के सभी स्तरों तक आईसीटी के समावेश से और विशेषज्ञों के माध्यम से विकसित ई कंटेंट सुदूर छात्रों एवं अध्यापकों हेतु उपलब्ध करवाया जा रहा है। हमारा विश्वास है कि ई कंटेंट एक मूल्यवान संसाधन के रूप में आपके चिंतन कौशल एवं रचनात्मकता में वृद्धि करने में सहायक होगा। धन्यवाद। आपके समक्ष एक बहुत ही इम्पोर्टेंट व्याख्यान लेके प्रस्तुत हैं। आपको पता है कि जो है पर्यावरण संरक्षण या पर्यावरण की हर चीज़ का जो ह्रास हो रहा है, नुकसान हो रहा है, उसमें यूथ की क्या भूमिका है, उनको क्या करना चाहिए, उन्हें किस तरह से सोचना चाहिए, किस तरह आगे आना चाहिए, उसके बारे में हम कहेंगे। ये एंड यूथ आप समझ रहे हैं हमारे समाज का एक बहुत इम्पॉर्टेंट सेक्शन है जो कि इस बदलाव को बहुत तेज़ी से ला सकता है। और यूथ इज़ वेरी इंस्ट्रूमेंटल फॉर प्रोटेक्शन ऑफ द एंटायर एनवायरनमेंट, और जो प्रकृति नेचर है उसको बहुत ही संरक्षण कर सकता है। तो उसी के बारे में आज हम आपसे बातचीत करेंगे। जैसा कि आपको पता है, मानव और पर्यावरण एक दूसरे से अलग नहीं किए जा सकते। इन दोनों का आपस का संबंध बहुत ही अभिन्न है। जैसा कि हमें पता है, जो जीवन इस पृथ्वी ग्रह पर 3 बिलियन ईयर्स एगो हुआ और पहला मानव का पदार्पण 2.5 मिलियन ईयर्स एगो पहले हुआ, शुरू में मानव का संबंध अपने पर्यावरण से बहुत ही हार्मोनियस था। मानव ने हमेशा पर्यावरण के हर अवयव को पूजा, उसकी पूजा की। जैसा कि हमारे सारे इंडियन स्क्रिप्चर्स में, स्टार्टिंग फ्रॉम ऋग्वेदा टू अदर वेदास, दैन द उपनिषद, रामायण, महाभारत और भी स्क्रिप्चर्स में इसके बारे में दिया हुआ है, क्लासिकल लिटरेचर में, कि मानव का संबंध पर्यावरण के प्रति बहुत ही अच्छा था। लेकिन बाद में ये संबंध ये हो गया, शुरू में मानव अपने आप को एक ही थॉट द सर्वेंट ऑफ नेचर और इस इकोसिस्टम का एक इंटीग्रल पार्ट समझते थे। लेकिन बाद में आज की डेट में हम समझने लगे कि हम तो इससे अलग हैं एंड वी आर द मास्टर ऑफ नेचर। ये एक दिमाग में जब आया तब से पर्यावरण का चरण शुरू हुआ। लेकिन कुछ ऐसे भी हैं कि एंशियंट टाइम में भी प्रॉब्लम्स हुई, पर वो अपवाद हैं। जैसे माया सभ्यता का ह्रास हुआ और कहते हैं मानव की गलत इरिगेशन प्रैक्टिसेस की वजह से हुआ। यूफ्रेट्स एंड टाइग्रिस की जो फर्टाइल लैंड थी, जो आजकल ईरान इराक है, उसको इंसेंट मेसोपोटामिया कहते थे, वो एक आज रेगिस्तान में बदल गया। उसमें भी मानव की ही कमियां थी। लेकिन इसको बिल्कुल कह सकते हैं कि इसमें, क्योंकि उस एंशियंट टाइम में ऐसा हुआ, तो हम बहुत सारे एविडेंसेस के आधार पर कहते हैं, चाहे वो जियोलॉजिकल एक्सकेवेशंस हों, आर्कियोलॉजिकल एक्सकेवेशंस हों, इन स्क्रिप्चर्स हों, पैलेंटोलॉजिकल एविडेंसेस हों। लेकिन इसमें और भी कारण हो सकते हैं, नेचुरल भी हो सकते हैं। लेकिन आज के ज़माने में जो ये पर्यावरण और मानव का जो संबंध है, जो बिगड़ा है, उसने हमारे जो नेचर है या प्रकृति है या प्लेनेट अर्थ है,
उसकी जो बैलेंस को तोड़ दिया है और जो हमारे लिए भी खराब है। अब क्योंकि हम शुरू करते हैं कि एक पर्यावरण का शब्द का जो मतलब है, एक्चुअली हम लोग ये समझते हैं कि पेड़ पौधे उसको पर्यावरण कहते हैं, पढ़े लिखे लोग भी कभी पर्यावरण का गलत मतलब निकालते हैं और बहुत ही सीमित अर्थ निकालते हैं। मैं आपको एक शुरू से बताता हूं कि जो एक्चुअली पर्यावरण शब्द है, एनवायरमेंट एक एनवायरमेंट फ्रेंच वर्ड है, उससे विकसित है। ये इंग्लिश का शब्द नहीं है, ये फ्रेंच वर्ड है जिसका मतलब होता है एनसर्किल या एनवेलप, आपके चारों तरफ जो पर्यावरण है, आवरण आपके चारों तरफ, दैट इज नोन एज एनवायरमेंट। बट इफ यू आर गोइंग टू डिफाइन इट, एनवायरमेंट इज सम ऑफ ऑल एक्सटर्नल कंडीशंस। आपके चारों तरफ जो भी आवरण है, चाहे वो एबायोटिक हो, जैविक हो या अजैविक हो, सोशियो कल्चरल भी हो, कि आपकी कैसी ट्रेडिशंस थी, कैसा समाज था, इकोनॉमिक इन्फ्लुएंसेस, देन पॉलिटिकल एक्शंस, जो पॉलिटिकल एक्शंस भी हो रहे अफेक्टिंग ऑर्गेनिजम्स, तो एनवायरमेंट कंपोनेंट एक्ट एज ए होल, ये एक इंटीग्रेटेड है। इसमें सभी सोशल साइंस भी हो, इसमें साइंस हो, बायोलॉजिकल साइंस हो, फिजिकल साइंस हो, कल्चरल एंड ह्यूमैनिटीज, सबका अध्ययन जरूरी है, तभी आप समग्र एक पर्यावरण के बारे में समझ पाएंगे। आपके आवरण तो देखिए एक साइंटिफिक या सोशल बायोलॉजिकल तो है ही, उसके साथ कल्चरल है, आप जहाँ रहते हैं वहाँ का समाज कैसा है, उसकी एक्टिविटीज़ कैसी हैं, वहाँ के कल्चरल रिचुअल्स, मिथ कैसे आपकी एक्टिविटीज़ हैं, वो सब। और दूसरा आपको समझ आता है कि जो एनवायरमेंट के साथ जो स्टडी करते हैं, एनवायरमेंटल साइंस और इकोलॉजी, बहुत से लोग बिल्कुल एक समझते हैं, लेकिन थोड़ा अंतर है। इफ यू आर टॉकिंग अबाउट इकोलॉजी, इज द स्टडी ऑफ इंटर रिलेशन एमंग ऑर्गेनिज्म एंड बिटवीन ऑर्गेनिज्म एंड इकोलॉजी, शब्द आपके और पर्यावरण के बीच का क्या संबंध है उसके, और ऑर्गेनिज्म का पर्यावरण के प्रति क्या संबंध है, और ऑर्गेनिज्म से ऑर्गेनिज्म का क्या संबंध है, जैसे आपके चारों तरफ जो आवरण है उससे उसके बीच का, और प्राणियों से प्राणियों के बीच में, चाहे वो आपका प्लांट्स के साथ, एनिमल्स के साथ क्या संबंध है, ये भी उसके रिलेशनशिप को ही इकोलॉजी कहते हैं। लेकिन पर्यावरण जो है वो पूरा, नॉट ओनली जो एनवायरमेंट के साथ आपके और भी फिजिकल, आपके सोशो कल्चरल, तो एनवायरमेंट इज एन अम्ब्रेला टर्म, इज ए बिग टर्म। इकोलॉजी आपने थोड़ा रेस्ट्रिक्ट कर दी। अब आप देखेंगे कि जो अर्थ पोजीशन इन द सोलर सिस्टम प्रमोट्स लाइफ, एक प्लेनेट अर्थ ही है जो आज तक पता लगता है कि उस पे जीवन संभव है, बाकी पे क्यों नहीं है, संभावना क्यों नहीं है, उसका कारण अर्थ की सोलर सिस्टम में जो पोजीशन है वो। यदि सन के थोड़ा सा और नजदीक होती तो बहुत गर्म होती, तब भी संभावना कम थी, और यह दूर होती थोड़ी सी तो बहुत ठंडी होती, तब भी टेम्परेचर, आज का टेम्परेचर 14-15 डिग्री सेल्सियस एवरेज है अर्थ का, यदि ये दूर होती तो ठंडा होता और फिर भी मुश्किल होता था। तो जो अर्थ की पोजीशन सोलर सिस्टम है, दैट इज वेरी क्रूशियल, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर प्रमोटिंग लाइफ, इसलिए यहां जीवन हो पाया। दूसरा, द अर्थ एटमोस्फियर एंड प्रेजेंस ऑफ वॉटर आर वाइटल टू लाइफ ऑन अर्थ। अर्थ का जो एटमोस्फियर, उसमें प्रेजेंस ऑफ वॉटर आर वेरी वाइटल, पानी नहीं होता तो शायद जीवन नहीं होता। अभी जैसे थोड़ा मार्स पे संभावना कुछ नजर आ रही है, कुछ लिविंग बीइंग हो सकते हैं, क्योंकि पहले मार्स पे कहा गया कि नहीं, इस पे पानी नहीं है, खाली है, अमेरिका ने भी कहा, लेकिन बाद में ये आया कि पानी भी है, तो कुछ संभावना है कि इनिशियल स्टेज में कुछ लाइफ हो सकते है संभावना। अब नाउ बायोस्फीयर इज द शैलो आउटर लेयर ऑफ द अर्थ विच कंसिस्ट ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड देयर एनवायरमेंट। आपके चारों तरफ करीब 24 किलोमीटर डीप और ऊपर ही इतना जो एक एनवेलप है उसको बायोस्फीयर कहते हैं। और इकोसिस्टम इज ए कम्युनिटी ऑफ ऑर्गेनिज्म एंड देयर फिजिकल एनवायरमेंट एक्टिंग एज एन इकोलॉजिकल यूनिट वेयर फ्लो ऑफ मैटर एनर्जी इज पॉसिबल।
अब जैसे आपका क्लासरूम है या आपका कोई कमरा है और वो पक्का फर्श बना हुआ है, उसको हम इकोसिस्टम नहीं कहेंगे, बिकॉज देयर इज नो फ्लो ऑफ वाटर एंड मैटर, मैटर एनर्जी का फ्लो नहीं होता. लेकिन आपके बाहर ग्रासलैंड है, लॉन है, उसको हम इकोसिस्टम कहेंगे, क्योंकि वहां एक इकोलॉजिकल यूनिट है और फ्लो ऑफ मैटर एनर्जी भी है. लेकिन यहाँ प्लांट भी रख दें, ऊपर गमले रख दें, तो तब भी नहीं होगा. तो इकोसिस्टम को डिफाइन, अब जैसे मान लीजिए एक ड्रॉपलेट ऑफ वाटर है, रेन की वो इकोसिस्टम है, क्योंकि उसमें फ्लो ऑफ मैटर एनर्जी है. लेकिन एक बहुत बड़े जो शिप है, उसको हम इकोसिस्टम नहीं कहेंगे, बिकॉज वहां बायो जियोकेमिकल साइकिल नहीं हो रही है, वहां फ्लो ऑफ मैटर एनर्जी नहीं हो रहा है. तो बहुत सारे लोगों को कंफ्यूजन भी रहता है कि इकोसिस्टम क्या है, तो वो भी आपको समझना जरूरी है. तो ये बेसिक चीजें हमने बताना चाहे. अब मैं आता हूं कि जो पर्यावरण और संरक्षण या उसके बारे में अवेयरनेस, कब लगा के पर्यावरण इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, उसकी एक हिस्ट्री बताना चाहता हूं. और आपके जैसे बहुत सारे लोग कहते हैं, कहीं भी बात आ रही है, चार धाम का जो एक्सपेंशन रोड का हो रहा है, लोग कहते हैं यार क्यों बन रही है, ये तो पर्यावरण को रक्षित है. कोई भी छोटा सा काम होता है, लोग कहते हैं यार क्यों बन रही है, तो डैमेज कर रही है. तो आपके दिमाग में एक इंडिविजुअल की हैसियत से, एक सिटीजन की हैसियत से ये क्लियर होना चाहिए क्या सही है क्या नहीं है. और पर्यावरण के प्रति आपका जो अवेयरनेस है, आपकी जानकारी कब से शुरू हुई और क्यों इंपॉर्टेंट है और क्या था. आप हिस्ट्री में पहले जाएं तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर तक किसी भी कहीं भी पूरे वर्ल्ड में एनवायरमेंट के बारे में कोई ज्यादा कोई विस्परिंग भी नहीं थी. आप 1945 में जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म हुई, तो अमेरिका तक की पॉपुलेशन बहुत कम होगी, बहुत लोग मर गए थे. अब हम इंडिया के केस में लें तो 1947 से पहले ब्रिटिश राज हुआ, उन्होंने बहुत सारा रिसोर्सेज का एक्सप्लॉयटेशन कहा, लेकिन पर्यावरण को संरक्षण करने की किसी की आवाज नहीं उठी, किसी ने नहीं उठाया. अमेरिका में भी सेकेंड वर्ल्ड के बाद 1945 से 65 तक ये पॉलिसी बनी कि ज्यादा से ज्यादा बच्चे पैदा करें. फिर ज्यादा से ज्यादा बच्चे पैदा हुए तो जो स्कूल के या मैटरनिटी हॉस्पिटल बहुत बने. फिर इसके बाद आप समझिए कि स्कूलिंग, प्राइमरी स्कूल बहुत खुले. फिर आगे कॉलेज यूनिवर्सिटी एक्सपेंशन हुआ. तो ये जो इफ यू आर लुकिंग एट द पिरामिड ऑफ पॉपुलेशन ऑफ यूएस, जो 20 इयर्स का 45 टू 60 20 साल का जो रीजन था, इसे कहते हैं बेबी बूमर स्टेज. बेबी के जो प्रोडक्शन में बूम आया, बेबी बूमर्स. लेकिन 65 के बाद उन्हें भी रियलाइज किया कि पॉपुलेशन एक्सप्लोजन हो रहा है, ये गलत है, इतना नहीं बढ़ना चाहिए, देयर शुड बी ए लिमिट टू ग्रोथ. ऐसे ही हमारे यहां 1947-1965 ऑलमोस्ट 20 साल के करीबी, जब प्राइम मिनिस्टर नेहरू थे, तो उन्होंने नेहरू एंड मॉडल ऑफ डेवलपमेंट, उन्होंने बड़ी बड़ी इंडस्ट्री खोली, ये खोली वो खोली, उस समय जरूरत थी इसकी और विकास की बहुत जरूरत थी. पर्यावरण की कोई बात भी नहीं करता था, और ये भी नहीं था कि उस समय पर्यावरण की बात करते थे विकास नहीं होता. तो यहां भी ऑलमोस्ट 20 ईयर्स ये फेज जो था डेवलपमेंट डोमिनेंट फेज था, विकास को गति देने के लिए जरूरी भी था. लेकिन इस डेवलपमेंट फेज में इन 20 सालों में क्या हुआ, डेवलपमेंट डोमिनेंट फेज जो रहा, इसमें एक्सपोनेंशियल ग्रोथ ही इन इंडस्ट्रियल, एग्रीकल्चर, पॉपुलेशन, यूज ऑफ फर्टिलाइजर्स एंड फर्टिसाइड्स, ग्रीन रिवोल्यूशन हुआ, सब कुछ हुआ. तो कहने का मतलब यह है कि यहां डेवलपमेंट की वजह से जो आउटकम हुआ वो एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन हुआ, उसकी वजह से लोगों में एक चेतना आई कि ये क्या हुआ. तो सबसे पहले बेबी बूमर्स, मैंने कहा यूएस 1945, और सबसे पहले जो एंसिड पेस्टिसाइड पोल्यूशन के बारे में, एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन में के पेस्टिसाइड यूज कर रहे हैं, तो रसेल कार्सन एक नॉवलिस्ट थे, कोई साइंटिस्ट नहीं थी,
उन्होंने एक साइलेंट स्प्रिंग 1962 में लिखी और यू कैन इमेजिन 10,000 बुक एक ही दिन में बिक गई थी। उसमें यह था कि जो पेस्टिसाइड से वाटर पल्यूट हो रहा था उससे जो साइलेंट स्प्रिंग्स थे उनमें अच्छा था, वो पानी पीने लायक भी नहीं रहा। तो एक स्टोरी की तरह से लिखा और उसकी इतनी ज्यादा हुई, इसका मतलब लोग ने एहसास था कि ये नुकसान हो रहा है। तो पहली बात 1962 में एक अवेयरनेस बढ़ाई रसेल कार्सन ने, वो महिला थी साइलेंट स्प्रिंग। इसके बाद 1968 में पॉल एलिच ने एक बुक लिखी जिसका नाम था पॉपुलेशन बॉम्ब। तो ही रियलाइज कि देयर इज एन एक्सपोनेंशियल ग्रोथ इन पॉपुलेशन, तो पॉपुलेशन जो बढ़ रही है वो एक बॉम्ब की तरह से है। और फिर लिमिट्स टू ग्रोथ, डोनेला एस्बिडो एंड अदर्स एक क्लब ऑफ रोम है अमेरिका, उसमें इटली में। तो क्लब ऑफ रोम इटली तक ही नहीं सीमित था या रोम तक ही सीमित नहीं था, दिस वॉज रिप्रेजेंटेड बाई अलग के एजुकेशनिस्ट हो, पॉलिटिशियंस हो, सोशल वर्कर्स हो, आर्टिस्ट हो, सबका एक क्लब था। क्लब डज नॉट मीन कि वहां आए, डांस किया, खाना पीना हुआ, लेकिन क्लब ऑफ रोम इनविजिबल कॉलेज था वो, उसमें अपने थॉट्स, अपने अपने विचार व्यक्त करने थे। अब उन लोगों का डिस्कशन हुआ, उन्होंने कहा कि जो एक्सपोनेंशियल ग्रोथ इंडस्ट्रीज में, एग्रीकल्चर में, पॉपुलेशन में, फर्टिलाइजर, पेस्टिसाइड और एग्रीकल्चर में जो हो रही है, इसको देयर शुड बी ए लिमिट, इसकी एक सीमा होनी चाहिए। और ये रिकमेंडेशन, लिमिट टू ग्रोथ रिकमेंडेशन हुई, और ये छापी किसने, MIT बोस्टन USA, मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। आप समझते हैं IIT जैसे मशहूर हैं, ऐसे अमेरिका में MIT इज द टॉप मोस्ट, जहाँ के बहुत से प्रोफेसर नोबेल लॉरेट हैं, वहां से छपी है। फिर ये जो 1970 का दशक था, डिकेड ऑफ कॉन्फ्लिक्ट, एक्टिव एनवायरमेंटलिज्म आई, इसमें क्या था, देयर वाज ए कॉन्फ्लिक्ट कि विकास ये जो हो रहा है बिल्कुल गलत है, हम इसको रोकना चाहिए, पेड़ कट रहे हैं ये कटने नहीं चाहिए। तो आपको पता होगा यही 70 के दशक में, 72-73 में, यहाँ बिल्कुल रिमोट एरिया में, रेणी में चिपको मोमेंट गौरा देवी ने शुरू किया। उसके बाद वहीं गोपेश्वर में रहते थे या उधर टीचर थे श्री चंडी प्रसाद भट्ट जी, उन्होंने शुरुआत की। बढ़ियारगढ़ टिहरी, इसमें सुंदरलाल बहुगुणा जी ने किया, और जोशीमठ में कॉमरेड रावत ने किया। बहुत से आपको नाम भी नहीं पता लेकिन बहुत लोगों ने कंट्रीब्यूट किया, ज़्यादा नाम दो लोगों के या तीन लोगों के ही रहते हैं, लेकिन बहुत लोगों ने कहा चिपको मोमेंट। तो ये अंदर से आवाज़ थी, और लोगों ने डीफॉरेस्टेशन के अगेंस्ट में, कॉमर्शियल एक्सप्लॉयटेशन ऑफ फॉरेस्ट के लिए आवाज़ उठाई। तो वो पूरे दुनिया में नहीं, गढ़वाल में भी, उत्तराखंड में भी हुई। अब आप देखिए 22 अप्रैल 1970 को, 1970 को फर्स्ट अर्थ डे सेलिब्रेट किया गया। आप अपना बर्थडे सेलिब्रेट क्यों करते हैं, कि चिरायु हो। तो इसका मतलब ये था, क्या नेचर अर्थ या पृथ्वी माता, उसको भी कोई परेशानी है? हाँ, उसको भी लगा कि भाई एंटायर प्लेनेट विल बी कॉलेप्स्ड, और ये हो जाएगा तो हमारी एग्जिस्टेंस नहीं होगी। तो 22 अप्रैल 1970 को पहला अर्थ डे मनाया गया, जो अमेरिका में, जिसमें 10,000 लोग से ज़्यादा एक दिन में सड़कों पर आ गए सेलिब्रेट करने के लिए। अमेरिका की पॉपुलेशन इतनी नहीं है लेकिन फिर भी आ गए। इसके बाद ह्यूमन एनवायरमेंट, ह्यूमन एंड एनवायरमेंट स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस स्वीडन में 1972 जून 72 में हुई, जिसमें हमारे देश को हेड ऑफ द स्टेट इंदिरा गांधी, मिसेज इंदिरा गांधी ने रिप्रेजेंट किया, और वहाँ इनॉग्रेशन में बोली कि आज मानव और पर्यावरण के जो संबंध की बात कर रहे हैं, ये तो हमारे पूर्वज बहुत पहले से करते थे, हमारे एनवायरमेंटल इथिक्स ऐसे थे कि हम हर की पूजा करते थे, हर को ग्रो करते थे, हर की पूजा करते थे, चाहे वो पेड़ हों या पौधे हों, जानवर हों, नाग की भी हम पूजा करते हैं। तो ये स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस में ह्यूमन एनवायरमेंट, जिसमें कि एक माइलस्टोन था, शुरुआत थी, और उसी दिन से 72 के बाद 5 जून को, क्योंकि रिकमेंडेशन हुई, तो 5 जून 1972 से ही ये तय हुआ कि वर्ल्ड एनवायरमेंट डे सेलिब्रेट होगा। पहले से पर्यावरण दिवस नहीं मनाया जाता था, तो विश्व पर्यावरण दिवस पहला बार क्या है, 73 में मनाया गया 5 जून को। और फिर आज हर साल एक न एक थीम होती है और हम सब मनाते हैं। तो इसका मतलब 72 में ये अवेयरनेस हुई
कि पर्यावरण भी इम्पोर्टेंट है विकास के साथ साथ. हमने बताया चिपको मोमेंटेन रिमोट, विष्णुई मोमेंट प्रोटेक्टिंग ब्लैकबर्ग, एपिको मोमेंटेन कर्नाटका, ये सब वॉलंट्री अपने आप लगे, किसी ने सरकार ने नहीं कहा कि तुम चिपको करो जाके, या विष्णुई मोमेंट ये नहीं विष्णुई जाती है उन्होंने ब्लैकबर्ग को करने के लिए, एपिको मोमेंट भी कर्नाटका, किसी ने जाके कहा नहीं सरकार ने कि ये करो. तो बेसिकली ये अवेयरनेस बढ़ी. अभी एंथुजियाज्म फॉर एनवायरमेंट रिमेंड हाई 70 के दशक में, लेकिन 1980 में वो स्थिति नहीं रही. कॉन्शियस शिफ्ट फ्रॉम एंथुजियास्टिक रियोटिक डेवलपमेंट ऑफ अल्टरनेट वे टू सॉल्व एनवायरमेंट प्रॉब्लम्स केम क्लोज टू डायलॉग प्रो एनवायरमेंट प्रो डेवलपमेंट. जो विकास के समर्थक थे और पर्यावरण के संरक्षण के समर्थक दोनों साथ साथ आए, आपस में कहा कि इसका सोल्यूशन क्या है. सरकार ने बहुत सारे इनिशिएटिव लिए. आपको पता है 1976 में 42nd अमेंडमेंट किया मिसिज इंदिरा गांधी ने. मिसिज इंदिरा गांधी ने पर्यावरण के प्रति बहुत ज्यादा किया, इसलिए उनको चैंपियन कहा जा सकता है. तो उन्होंने 42nd अमेंडमेंट में दो आर्टिकल जोड़े. आर्टिकल 48A डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, कि हर स्टेट की ड्यूटी है कि पर्यावरण को संरक्षित करेगा. ऐसे ही आर्टिकल 51AG हर नागरिक का कर्तव्य है कि पर्यावरण का संरक्षण, पहले नहीं था कॉन्स्टिट्यूशन में ये जोड़ा. 1976 के बाद इंडियन फॉरेस्ट सर्विसेज पहले नहीं थी, इंडियन फॉरेस्ट सर्विसेज भी शुरू की नेशनल लेवल पे. तो कहने का मतलब है, और मिसेस इंदिरा गांधी ने, शी वाज द फर्स्ट लेडी फर्स्ट कंट्री, कि 1972 में वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट दिया, 74 में एनवायरमेंट पोल्यूशन कंट्रोल एक्ट दिया, 1986 में एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट दिया. तो बहुत सारे कानून बने. अब 1990 के दशक में कभी भी ये बात नहीं रही कि आपस में झगड़ा हो या कहे विकास नहीं होगा, हम नहीं होने देंगे, हम नहीं करते. दोनों में ये रहा कि भाई कन्फ्रंटेशन नहीं, आप कैसा विकास हो ये डिस्कशन हो सकता है, लेकिन विकास लाइवलीहुड के लिए जरूरी है. लेकिन ये भी है कि पर्यावरण का संरक्षण जरूरी है, एनवायरमेंट ऑन ए साउंड साइंटिफिक बेसिस. एंड द न्यू टर्म केम इन टू द एग्जिस्टेंस ब्रंटलैंड कमीशन की एक रिपोर्ट थी जिसका टाइटल था अवर कॉमन फ्यूचर, एंड द न्यू टर्म वॉज कॉइंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट. डेवलपमेंट हो लेकिन सस्टेनेबल हो विदाउट डैमेजिंग द एनवायरमेंट. कोई भी डिस्कशन हो सकता है, कोई भी विकास, आपको रोड भी चाहिए, आपको डैम्स भी चाहिए, लेकिन ये डिस्कशन हो सकता है कि जो बड़े डैम्स हैं, हाई डैम्स हैं, मेगा डैम्स हैं, वो नहीं बनने चाहिए हिमालय में, लेकिन छोटे तो बनने चाहिए क्योंकि हमें एनर्जी की जरूरत है. हमें रोड बननी चाहिए, गांव में अभी भी बहुत से 10 किलोमीटर पैदल जाना पड़ता है, तो हमें रोड चाहिए. लेकिन किस ढंग से बनाए, उनकी टेक्नोलॉजी और उनका तरीका, उनके कटिंग का, वो एक साइंटिफिक होना चाहिए जो कि कम से कम नुकसान हो. 1992 में अर्थ समिट रियो डी जनेरियो, आपको पता है वो इतना बड़ा सम्मेलन था कि 40,000 पार्टिसिपेंट 172 कंट्रीज के लिए आए. फर्स्ट जो अर्थ समिट थी रियो डी जनेरियो, ब्राजील की वहां रियो डी जनेरियो वहां हुआ था, तो सबको पता है, और ये बहुत ही माइलस्टोन था. अब इसके बाद पब्लिक अवेयरनेस में बहुत सारे क्योटो प्रोटोकॉल, रिच नेशंस, ग्लोबल वार्मिंग के लिए, ओजोन लेयर डिप्लीशन, जैसे मान लीजिए पहले जो CFCs या क्लोरोफ्लो कार्बन के बारे में आप अच्छी तरह से जानते हैं. क्लोरोफ्लो कार्बन वॉज ए वंडर केमिकल विच वॉज डिस्कवर्ड इन 1934 ओनली, 1934 में, क्योंकि वो कंप्यूटर चिप को क्लीन करने के लिए है, वो क्लूलेंट की तरह फ्रिज हो, एसी हो, सब में इस्तेमाल करता है. लेकिन धीरे धीरे पता लगा कि जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन इज एक्टिंग एज ए ग्रीन हाउस गैस, पहले नहीं पता था, लेकिन जो पोटेंशियल है कार्बन डाइऑक्साइड से भी बहुत गुना है, हजारों गुना है, और वो एक बार रिलीज हो जाए तो वो 100 साल तक जिंदा रहता है. तो यहाँ यदि ट्रोपोस्फियर में है तो स्ट्रेटोस्फियर में ओजोन लेयर होती है, उसको डैमेज कर सकता है इतने बाद में. तो इसके बाद 1987 में उसको मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल हुआ कनाडा में, ये मॉन्ट्रियल में उनका डिस्कशन हुआ और एक एग्रीमेंट हुआ. तो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल क्या CFC की जगह हम उसका ऑल्टरनेटिव ढूंढे. आपने देखा होगा फ्रिज पर लिखा CFC फ्री फ्रिज, तो या रेफ्रिजरेटर, तो CFC का कूलेंट की तरह से अब इस्तेमाल नहीं करते हैं, उसका मैन्युफैक्चरिंग बंद हो गया. और आप देखिए कि आप 79 फिर उसके 80 और 87 के बाद के जो उसके एंटार्क्टिका पे होल हो गया था,
और जब से मॉन्टियर प्रोटोकॉल हुआ उसका आउटकम हुआ कि वो जो है होल अब कम हो गया बिल्कुल. तो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल इज ए वेरी सक्सेसफुल ओजोन डिप्लीशन के लिए जो इंटरनेशनल एग्रीमेंट था या इंटरनेशनल रिलेशन, वो आपने अवेयरनेस की तो इतना अवेयरनेस थी कि ओजोन लेयर डिप्लीट अब कम होना शुरू हो गया क्योंकि सीएफसी जो रेस्पॉन्सिबल था उसका मैन्युफैक्चरिंग बंद कर दिया. ऐसे ही क्लाइमेट चेंज के बारे में बहुत सारी प्रॉब्लम्स आई. क्योटो प्रोटोकॉल 97 हुआ लेकिन वो फाइनलाइज भी नहीं हुआ. फिर डर्बन का हुआ और आप समझिए फिर ओबामा से पहले वो थे वो भी नहीं थे. ओबामा का लगा कि भाई ये एग्रीमेंट पे साइन कर देंगे, ऑस्ट्रेलिया और यूएस ने नहीं किया था. तो बाद में पता लगा कि जो है एक्सपेक्टेशन में उन्होंने नोबेल प्राइज भी दे दिया पीस में और बाद में लोगों ने कहा कि इन्होंने भी एग्री नहीं किया तो किस बात पे दिया नोबेल प्राइज. तो इसमें भी बहुत साइंटिफिक कम्युनिटी में क्रिटिसिज्म था कि ओबामा को किस बात पे जो पीस का दिया गया लेकिन उन्होंने भी सिग्नेचर. अब बाद में इसमें यह है कि इस स्टेज में थोड़ा अमेरिका सॉफ्ट है और एग्रीमेंट के लिए तैयार है कि हम जो है पर क्योटो प्रोटोकॉल का अंत तो ख़त्म ही हो गया अब, लेकिन मोस्ट ऑफ द कंट्रीज आर इन एग्रीमेंट कि हमें किसी न किसी तरह से ग्लोबल वार्मिंग को रोकना है. जो ओवरऑल टेम्परेचर अर्थ का है वो 1.5 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा नहीं बढ़ना चाहिए और नहीं तो यदि 1.5 या 2 डिग्री सेल्सियस होगा तो हिमालय पिघल जाएगा और बहुत सारे नुकसान होंगे और बहुत से डेजर्ट्स में. तो अब लोग रियलाइज करने लगे हैं. अब पब्लिक अवेयरनेस ये सब उसके बारे में है क्लाइमेट चेंज स्पेशली, तो इसके बारे में हम डिटेल कभी अलग बताएंगे. लेकिन ये है कि चाहे कोई भी प्रॉब्लम हो ग्लोबल प्रॉब्लम उसके बारे में सभी को बहुत ज़्यादा अवेयरनेस है. और आज की डेट में ऐसा नहीं है कि नहीं, इवन द गवर्नमेंट इज़ वरीड अबाउट इट. अब जो हमारा मेन टॉपिक था कि पर्यावरण संरक्षण और जो यूथ है, जो युवा वर्ग है, चाहे वो छात्र हों या कोई और हों, महिलाएं हों, उनका क्या रोल है. आप देखेंगे एनवायरमेंट प्रोटेक्शन हाई प्रायोरिटी इन पॉलिटिकल एंड पब्लिक. आज की डेट में चाहे राजनीतिक हो चाहे पब्लिक एजेंडा हो, उसमें पर्यावरण के प्रति बहुत ही हाई प्रोटेक्शन. आप प्लास्टिक का पोल्यूशन हो रहा है, सॉलिड वेस्ट का जनरेशन हो रहा है, हर कोई सेंसिटिव है. अब नो गवर्नमेंट हाउएवर वेल इंटेंशन कैन अचीव कॉन्क्रीट रिजल्ट्स ऑफ इट्स पॉलिसी एंड प्रोग्राम आर नॉट सपोर्टेड बाई वॉलंटरी ग्रुप्स. यदि एक यूथ या आप स्वयं सपोर्ट नहीं करते हैं तो जो प्लास्टिक पॉल्यूशन की बात है, सॉलिड वेस्ट की, वो कोई सक्सेसफुल हो सकता है? नहीं हो सकता. इसलिए देर शुड बी ए सिस्टमेटिक कंपेन. अब इंदिरा गांधी ने तो कहा था लोगों ही नहीं, देर शुड बी ए सिस्टमेटिक कंपेन टू एजुकेट गवर्नमेंट्स, पोलिटिकल लीडर्स, स्टूडेंट्स ऑन एनवायरमेंटल कंजर्वेशन. तो अब लेकिन यूथ तो इतना इंपॉर्टेंट सेक्शन ऑफ द सोसाइटी, बबलिंग एनर्जी है, बहुत उनमें वो है, उसको किस तरह से चैनलाइज किया जा सकता है. बट एट द सेम टाइम दे आर वल्नरेबल, नीड टू स्ट्रीमलाइन द एनर्जी. जो एक बच्चा स्कूल में जाता है, एडोलिसेंस स्टेज में होता है, उसमें बबलिंग एनर्जी होती है, तो पेरेंट्स भी वरीड रहते हैं क्योंकि वल्नरेबल स्टेज होती है, किधर को घूम जाए, उसमें कोई ऐप तो नहीं आ जाए. लेकिन यदि अच्छे कामों की तरफ लगा देते हैं तो दे कैन क्रिएट वंडर्स. आप जैसे शुरू में एनसीसी होती है, एनएसएस होते हैं, यूथ क्लब होते हैं, रूरल यूथ्स हैं, बहुत सारे जो इको टास्क फोर्स हैं. तो पब्लिक अवेयरनेस अब डेवलपमेंट ऑफ वॉलंटियर्स इन यूथ. एक्चुअली हम हर व्यक्तित्व या हर टीचर या जो इस स्टेज पे हैं उनमें जो युवा है, युवा वर्ग है, उसमें वॉलंटियरिज्म डेवलप, मतलब स्वेच्छा से जाएं. ये नहीं कि फोर्स कर रहे हैं कि आपको वहां जाना चाहिए, आपके मन में इच्छा. वॉलंटियरिज्म, वॉलंटियरिज्म इज सेल्फ मोटिवेटेड विलिंगली अनपेड वॉलंटरी एक्शंस. मैं स्वयं जाऊं, मुझे ये नहीं इच्छा कि मुझे पैसा मिलेगा या मुझे मिठाई मिलेगी या चाय मिलेगी. चार घंटे तक खड़ा रहता हूं और एक लेबर कर रहा हूं, मैं काम कर रहा हूं, श्रमदान कर रहा हूं, प्लांट लगा रहा हूं, तो उसमें मुझे एंजॉय करना चाहिए. स्टिमुलेशन मोटिवेशन फॉर एनवायरमेंट प्रोटेक्शन, एनकरेजमेंट थ्रू नेचर क्लब्स. आप देखो स्कूलों में भी नेचर क्लब होते हैं, इको क्लब होते हैं, इको डेवलपमेंट कैंप्स होते हैं, कंजर्वेशन डेवलपमेंट सीडीसी बनाइए, रूरल इको डेवलपमेंट कैंप्स हैं. आप देखें ये जो आप समझ रहे हैं कि जो गौरा देवी ने जो चिपको मोमेंट था वो भी एक महिला मंगल दल था, एक उनका भी एक क्लब था एक तरह से. महिला मंगल दल के उसकी अध्यक्ष थी वो, उन्होंने शुरुआत किया. तो हम यूथ को
मोटिवेट कर सकते हैं, उनकी एनर्जी को चैनलाइज कर सकते हैं और उनको मोटिवेट करके कि पर्यावरण क्यों संरक्षण करना चाहिए, क्यों आवश्यकता है आपके सर्वाइवल्स। अब MOEF, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट एंड फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज, उसकी गाइडलाइन क्रिएटिंग अवेयरनेस अमंग यूथ, आइडेंटिफाइंग एनवायरमेंट प्रॉब्लम्स, आपके उस एरिया में कौन कौन से विशिष्ट पर्यावरण प्रॉब्लम्स हैं, स्टेप टू फाइंड सोल्यूशन ऑफ द लोकल प्रॉब्लम्स, डेवलप स्पिरिट ऑफ नेशनल इंटीग्रेशन। एक बच्चों में नेशनल इंटीग्रेशन की बात होनी चाहिए कि ये सबका है, मान तो सबकी ड्यूटी है, ये नहीं कि वो तो नहीं कर रहा मैं क्यों करूं। आप अपने आप एक होना चाहिए और एक भेदभाव नहीं होना चाहिए कि उस कास्ट का है, ये क्रीड का है, उस रीजन का है, इससे नहीं है। तो लेकिन पर्यावरण के प्रति आपको एक स्पिरिट ऑफ नेशनल इंटीग्रेशन होना चाहिए। अपने शहर की सफाई करनी है, अपने गांव की सफाई करनी है तो पहले अपने घर से शुरू करिए और वो करिए, तो एक एक नेशनल इंटीग्रेशन का फीलिंग आना चाहिए। अब आप देखें कि हमने बताया था प्रोविजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल 48A डायरेक्टिव प्रिंसिपल स्टेट पॉलिसी, द स्टेट शैल एंडीवर टू प्रोटेक्ट एंड इंप्रूव द एनवायरमेंट एंड टू सेफगार्ड द फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ ऑफ द कंट्री। ये 76 अमेंडमेंट वाइल्ड लाइफ जो 47 अमेंडमेंट किया था 1970 इंदिरा गांधी ने, उसमें जोड़ा आर्टिकल 51AG ड्यूटीज ऑफ द सिटीजन, इट शैल बी द ड्यूटी ऑफ एवरी सिटीजन ऑफ इंडिया टू प्रोटेक्ट एंड इम्प्रूव द नेचुरल एनवायरमेंट इंक्लूडिंग फॉरेस्ट लेक्स रिवर्स एंड वाइल्ड लाइफ एंड टू हैव कंपैशन फॉर लिविंग क्रिएचर्स। ये नहीं कि आपको लगा है बच्चे होते हैं कहीं जा रहे हैं स्कूल से लौट के आए पता लगे चिड़िया में पत्थर मार रहे हैं, पानी में गंदगी फैला रहे हैं, तो यू शुड हैव कंपैशन फॉर लिविंग क्रिएचर्स, यू हैव पैशन फॉर इम्प्रूविंग द वॉटर की जो स्वच्छता है। फॉरेस्ट एंड प्रोटेक्शन ऑफ वाइल्ड लाइफ वॉज ट्रांसफर्ड फ्रॉम लिस्ट वन। दूसरा एक और इम्पॉर्टेंट किया कि पहले जो है फॉरेस्ट और वाइल्ड लाइफ जो है लिस्ट टू में था, स्टेट लिस्ट टू स्टेट, अब कंकरेंट लिस्ट में है। कंकरेंट लिस्ट होती है नेशनल लिस्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। तो ये खाली स्टेट का ही कर्तव्य नहीं है, ये भारत सरकार का भी कर्तव्य है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट स्टेप था जो 1976 में लिया। अब आप सोचेंगे कि हमें अभी आप करने, हमारे तो पूर्वज भी आप पर्यावरण के प्रति बहुत ही संवेदनशील थे, ये जितना संवेदनशील था और एनवायरमेंटल एथिक्स मॉरल्स जो थे हमारे पूरे वेदों में पुराणों में उपनिषदों में बहुत सारे दिया। ईशावास्य उपनिषद में तो देखिए ये कहा जो कि आज की साइंस कहती है कि ईशावास्यामिदम सर्वम यत्किंचम जगत्याम जगत तेन तक तेन भुंजिता माग्रह कश्य सुदनम। कहने का मतलब ये चैप्टर वन वर्स टू में ईशो उपनिषद में कहा गया है कि द यूनिवर्स इज द क्रिएशन ऑफ सुप्रीम पावर मेंट फॉर द बेनिफिट ऑफ ऑल क्रिएचर। जो भी चीजें बनी है वो सबके बेनिफिट के लिए, मानव के लिए नहीं है। इंडिविजुअल स्पीसीज मस्ट देयरफॉर लर्न, इसलिए मानव को ये समझना चाहिए, ये सीखना चाहिए कि एंजॉय बेनिफिट्स बाय फॉर्मिंग ए पार्ट ऑफ द इकोसिस्टम। ये समझिए मैं भी इसका हिस्सा हूँ, ये नहीं कि मैं इसका सुप्रीम हूँ। इन क्लोज रिलेशन विद अदर स्पीसीज, लेट नॉट एनी वन स्पीसी एनक्रोच अपॉन द अदर्स राइट। हमें जो है दूसरे के अधिकार का हनन नहीं करना चाहिए। अब प्रश्न उठता है कि यूथ को हम क्या कहें, हम क्या करें और आप क्या करें, जो भी आप इसको सुन रहे हैं व्याख्यान को आप क्या करें। पहली बात यह है जो पर्यावरण के अंडरस्टैंडिंग है, जो उसका ज्ञान है, हम आगे बढ़ाएं, लर्निंग स्टिमुलेट करें, इनकलकेट वैल्यूज एमंग यूथ। वैसे आप देख रहे हैं IITs में भी वैल्यू कैसे इनकलकेट की जाती है उसका अलग ही सेक्शन खुल गया है, उनके बारे में सिलेबस भी डेवलप किए गए हैं। मोटिवेट देम इंडिविजुअली एंड कलेक्टिवली, एक ग्रुप में क्लास में हैं तो आप अलग हैं तब उनको समझाइए, देयर ओवरऑल व्यक्तित्व उनका बढ़ाइए कि भाई देखिए आप हिस्सा हैं पर्यावरण के, यू हैव टू लीड इंटीग्रेटेड लाइव्स इन हार्मनी विद द एनवायरमेंट, यूज देयर टैलेंट एंड सर्विसेज। हर बच्चे में कुछ न कुछ देखिए टैलेंट होती है, उसको कंस्ट्रक्टिव काम के लिए इस्तेमाल करिए। और दिमाग में ये रहना चाहिए कि सोच आपकी बृहद हो, बड़ी हो, लेकिन आपके जो एक्शंस हों वो लोकल लेवल पे होना चाहिए। ये नहीं कि आप जाके दिल्ली काम करें, आप उत्तरकाशी में रह रहे हैं तो आप उत्तरकाशी में करिए, आप पिथौरागढ़ में रह रहे हैं तो पिथौरागढ़ में करिए, आप अपने गाँव में रह रहे हैं तो वहां सोचिए, एक्शन वहां होना चाहिए, सोच आपकी बड़ी होनी चाहिए, पर आपके जो
क्रियाकलाप है वो लोकल लेवल पे होने चाहिए. वहां की क्या प्रॉब्लम है, आपने देखा होगा कि बहुत सारे वॉलंटरी मूवमेंट हुए, किसी ने पैसा नहीं दिया लेकिन अपने आप स्वतही हुए. इसका मतलब ये सोचता है कि उन्हें पर्यावरण के प्रति संवेदनशीलता थी. चिपको मूवमेंट उत्तराखंड में, गढ़वाल में स्पेशली, अगेंस्ट द लॉगिंग ऑफ ट्रीज. विश्नोई मूवमेंट इन राजस्थान, पोचिंग ऑफ ब्लैक बक्स. साइलेंट वैली मूवमेंट इन केरला अगेंस्ट डैम. साइलेंट वैली प्रोजेक्ट को ड्रॉप भी करना पड़ा इंदिरा गांधी के टाइम. नर्मदा बचाओ आंदोलन, टीरी डैम विरोध संघर्ष समिति अगेंस्ट द मेगा डैम्स. सेव ताज कंपेन अगेंस्ट द इम्पैक्ट ऑफ एयर पोल्यूशन ऑन ताज. ये स्वतः ही हुए. आज की डेट में बहुत सारे हो रहे हैं, गांव बचाओ, नदी बचाओ. लेकिन एक मैं वार्निंग फिर भी देना चाहूंगा इसमें कि बहुत से वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशन आजकल उनका मिसयूज भी कर रहे हैं अपने हित के लिए. वो नहीं होना चाहिए. मतलब स्वतः ही हो लेकिन एक समग्र विकास का भी दिमाग में रखना है. अब मान लो खाली आप फॉर पर्सनल इंटरेस्ट कोई भी करते हैं कि जैसे नदी बचाओ आंदोलन या गांव बचाओ आंदोलन या बहुत सी चीजें जो विकास के लिए जरूरी है, यदि आपको उसमें लगता है कि इस कमी है तो उसके तरीके को बदलिए, उस डेवलपमेंट को सस्टेनेबल बनाइए. उसमें कोई परिवर्तन करने है तो उसके लिए कंपेन करिए. लेकिन मान लीजिए कोई रोड बनी, आप कहते नहीं रोड बननी नहीं चाहिए. क्यों नहीं बननी चाहिए, कि इससे लैंडस्लाइड होगा, ये होगा. आप कहिए कि इस तरह से बनाइए, इस तरह से कटिंग करिए, स्टीप कटिंग मत करिए, 60 एंगल पे करिए जो लैंडस्लाइड ना हो बारिश में. या जैसे ही करते हैं तो आप उसको स्टेबल करिए उस स्लोप को, या फिर उसके जो पेड़ कटे हैं उनको साथ में लीजिए, उसमें फॉरेस्ट पैच लगाइए, या उसको जो बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट करिए जिससे कि ऊपर कवर हो जाए. तो आप जो भी करना चाहते हैं उसका सोल्यूशन भी दीजिए, लेकिन ये फॉर द सेक ऑफ क्रिटिसिज्म नहीं करना चाहिए. आप जैसे मैं एक इन्वेंट्री दे रहा हूँ एक्टिविटीज फॉर यूथ क्या कर सकते हैं. नेशनल एनवायरमेंटल अवेयरनेस कैंपेन मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट का हर साल चलता है, हर साल इश्यू होते हैं और उनमें रीजनल बेसिस में उसमें पैसा बहुत कम देते हैं, 10,000-20,000. तो हर कॉलेज स्कूल उनके लिए पैसा ले सकता है और उसके बहुत सारे प्रोग्राम्स लोकल लेवल पर चला सकते हैं. वर्कशॉप कर सकता है, सेमिनार्स, कैंप्स, पदयात्रा कर सकता है, क्विज कर सकते हैं अपने बैठ के क्लास में, डिबेट्स, लेक्चर्स, रैलीज. कोई इशू आइडेंटिफाई करिए लोकल. पेंटिंग कॉम्पिटिशन्स बच्चों का हो सकता है, उन्हें क्रिएटिविटी बढ़ा सकते हैं लेकिन पर्यावरण से प्रति उनका. सेलिब्रेशन वर्ल्ड एनवायरमेंट डे, अर्थ डे 22 अप्रैल, फ्रेश वाटर मंथ, इंटरनेशनल ओजोन डे 19 सितंबर, वाइल्ड लाइफ वीक फर्स्ट वीक, देन प्रमोशन ऑफ ग्रीन थिंकिंग एक्शन, वेस्ट एंड want to reduction, recycle. So, save energy. जैसे मान लीजिए आप हैं, पानी है, पानी खुला है तो आप save कर रहे हैं, पन पानी खुला है तो आप save, मतलब पानी का water की saving या contamination नहीं करना, ये तो आपके हाथ की बात है. So, आप महात्मा गांधी का बताओ, nature has given, has everything for everybody's needs. आपकी आवश्यकताओं के लिए सब कुछ है नेचर में, बट नॉट एनफ फॉर वन मैन ग्रीड. लेकिन मानव की ग्रीड के लिए, उनकी एक ग्रीड पूरी करने के लिए कुछ भी नहीं है. तो हमें ध्यान रखना है कि ये प्रकृति ने सब कुछ दिया है लेकिन उसका सदुपयोग करें, उसका सस्टेनेबल यूज एक्सप्लॉयटेशन करें, ये बहुत जरूरी है. तो आप पूरे इसमें हम कंक्लूड कर सकते हैं, सार ये है कि वॉलंटियरिज्म एंड यूथ विल गो ए लॉन्ग वे. ये दोनों स्वतः चेतना जगह, स्व इच्छा हो फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ एनवायरनमेंट, नॉट ओनली फॉर द प्रेजेंट जनरेशन बट फॉर अवर पोस्टेरिटी, आगे वाले जनरेशन को लिए. फुल पोटेंशियल ऑफ यूथ, आपको पता है युवा में बहुत पोटेंशियल होता है, विल बी यूटिलाइज फॉर एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एंड नेशनल इंटीग्रेशन. वॉलंटियरिज्म विल डेवलप एन एटीट्यूड ऑफ इकोसेंट्रिज्म. इकोसेंट्रिज्म का सबका साथ, मतलब सबका परवाह करें, एंथ्रोसेंट्रिज्म नहीं होना चाहिए. एंथ्रो का मानव का ही भला हो, सारे समाज का भला हो. कॉस्मोसेंट्रिज्म, कॉस्मोसेंट्र पूरे कॉस्मोस का, पूरे कहीं का भी हो, इंडिया का हो, अमेरिका का हो, पर्यावरण तो कॉमन है, ये इसमें कोई बाउंड्री नहीं है. तो यदि कोई ओजोन लेयर डिप्लीशन होना है तो यहीं का नहीं नुकसान होगा, ये साउथ एंटार्क्टिका पे हो रहा है, दूसरी जगह भी हो सकता है. ऐसे ही ग्लोबल वार्मिंग हो रही है तो हिमालय में ही नहीं नुकसान होगा, और भी जगह होगा. तो हमारी फीलिंग कॉस्मोसेंट्रिज्म एमंग पब्लिक, सभी पूरे यूनिवर्स का पूरे ख्याल रखें. एंड दिस कंसेप्ट वॉज अवेलेबल इन अवर इंडियन स्क्रिप्चर्स. ये तो हमारा एटीट्यूड पहले भी था, तो वी हैव टू रिवाइव अवर ट्रेडिशनल विजडम. हमारा जो एनवायरमेंटल एथिक्स था
जो हमारे वेदों में, पुराणों में, उपनिषदों में दिया गया था, हमारे पूर्वजों ने जो रक्षा की, सबकी पूजा की, एंड वी ट्रीटेड अवर सेल्फ एज ए सर्वेंट ऑफ नेचर, वी शुड नॉट थिंक वी आर द मास्टर ऑफ नेचर. हमें उस इकोसिस्टम का इंटीग्रल पार्ट समझना चाहिए. हम नहीं उस इकोसिस्टम के ऊपर हैं या मास्टर हैं. हमारा एटीट्यूड ये नहीं होना चाहिए कि हम कभी कुछ भी एक्सप्लॉइट कर सकते हैं. यदि हमारा जो पुराना एटीट्यूड था हमारे पूर्वजों का, वो दिमाग में आ जाए, इकोसेंट्रिज्म का, कॉस्मोसेंट्रिज्म का, और नेचर की वर्शिप करने का, उनके हर कंपोनेंट की रक्षा करने का, तो आज कोई दिक्कत नहीं कि हमारा जो फ्यूचर का सोसाइटी होगा सस्टेनेबल होगा, पर्यावरण भी सुरक्षित रहेगा, हमारा विकास भी होगा, अपने लाइवलीहुड को भी संरक्षित रखते हैं, और हम इसको अपने प्रकृति को संरक्षित कर सकते हैं. थैंक यू वेरी मच.